गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वी फोर गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से पालम सिटी से। बाकी लाइनअप दिखाता हूँ आपको। 390 अपनी रैम पे आ रही, रैम पे आ रही। बाकी फेस बाइक है R15 V3 और एक बाइक और जो हुई है 390। बड़ी सेक्सी लग रही है यार रैप इसका। तो गाइस अभी आगे और राइडर ज्वाइन करेंगे। अभी यहाँ से करते हैं हम हाइपर राइड स्ट्रीट रेस। खतरनाक रेस करते हैं। तो गाइस आते हैं मोटो व्लॉग सेटअप पे जल्दी जल्दी। तो गाइस आ चुके हैं अपने मोटो व्लॉग सेटअप पे। निकलते हैं यहाँ से बम्फार्ड राइड पे। भयंकर आधी पुलिस दिख गई है तो इसकी। अबे क्या सीन हो गया भाई। ओ माय लॉर्ड 390। पहला पहला प्यार है। आज तो ऐसी ट्रैफिक राइड होगी ना भाई। लेकिन दो तो 390 है, कौन चेस करेगा ना। आज की राइड पे भाई मजा बहुत आने वाला है। अबे आराम से चला, आराम से, आराम से भाई। ये नहीं मानेगा ये। अबे फीली ओ भाई भाई क्या तबड़ी फीली मारी यार। तो गाइज इसमें देखना आप ध्यान से, यहाँ पे ना कोई मोड़ था, ना आंटी ने इंडिकेटर दिया था, ना कुछ। तो उस चक्कर में और सीन हो गया था। बाकी बम तो आया था। बाकी मैं कोई भी कट नहीं डालना उसमें। देखना वो आंटी और बच्चा उसी टाइम पे खड़े हो गए थे, उसी टाइम पे। देखना कोई कट नहीं है इसमें, मतलब उनके कुछ भी चोट नहीं लगी है। देखना अब देखो, दोनों आंटी भी खड़ी है, बच्चे भी खड़े हैं। मतलब वही है, चोट नहीं लगी किसी के। बस मेरा रुकना वहाँ पर सही नहीं था, इसलिए मैं उस टाइम पर रुका नहीं तभी। यार क्रैश हो गया यार, बाइक ख़त्म हो गई यार। भयंकर राइड शुरू हो तो ही यार साइड से चले गई फेयरिंग पूरी। मेरे पैर पे भी लग गए यार। अब यार पूरी फेयरिंग भी गिर गई वहीं पे। क्या हो गया यार ये भयंकर भाई। वो लड़की अचानक से सामने आ गई, वो तो गिरा नहीं मैं वहां पे। क्या हो गया यार ये बाइक खत्म हो गई। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है। अब वो एक्सीडेंट हो चुका था, वो गलती थोड़ी मेरी भी थी। वो बम्प आ गया था, आप वीडियो में देखना, थोड़ा बम्प आ गया था। और जो लेडीज़ थी वो स्कूटी पे थी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने इंडिकेटर नहीं दिए थे।
वो शायद थोड़ी आवाज़ सुन के घबरा गई होंगी, फिर मतलब थोड़ा आगे आए जा रही, वो रुके नहीं। अगर वो लेडीज़ उस टाइम पर रुक जाती तो निकल जाती। वो एक तो बम्प भी आ गया, ऐसा नहीं है कि पूरी मेरी गलती है, थोड़ी बहुत उनकी गलती भी है, थोड़ी बहुत मेरी गलती भी है। हाँ हम तेज़ चला रहे थे, ऐसे नहीं चलाना चाहिए बिजी रोड पर। वैसे गलती है तो नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। बाइक की हालत देखो भाई, देख ही नहीं जा रही कसम से। और गाइस बता दूं, वहाँ अगर मैं उस टाइम पे रुकता तो भाई सीन बहुत ही गड़बड़ हो जाता वहाँ पे, क्योंकि भाई देखो इंडिया का है सीन तुम्हें पता है, लेडीज़ अगर गिरी हैं तो भाई वो ना पूछते ना कुछ, लोग वहीं हाथ छोड़ देते हैं कि किसकी गलती है, क्या बम्प आया, वो कुछ नहीं देखते। वो भाई मेरे पे ही बात होती है, वो सीन बहुत ही ख़राब हो जाता। ऐसा नहीं है कि वहाँ रुके नहीं, साथ वाले रुके थे, मेरा रुकना उस टाइम पे सही नहीं था। मैं बाद में गया था, थोड़ी देर बाद गया था अपनी बाइक कहीं सेफ लगा के पूछने की क्या हुआ कैसे हुआ। आंटी उस टाइम पे वहीं थी, थोड़ा स्कूटी का काम करा रही थी, तो आंटी से मेरी बात हो गई थी वहाँ पे, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया उस टाइम पे। वो आंटी मना भी कर रही थी, मैंने कहा भी था उनसे, तो मैंने सॉरी वॉरी बोल दिया था। आंटी गुस्सा नहीं थी, गुस्सा होती तो वहाँ अलग सीन हो जाता, वहाँ रोक लेते मुझे। तो मतलब आंटी कह रही थी कोई नहीं बेटा, हो जाता है ऐसे, चोट चोट वगैरह नहीं लगी। मेन दिक्कत यह है ना, देखो नुकसान तो हो गया, लेकिन मेरा ही हुआ है नुकसान, जो हुआ है मेरे पैर पे भी हल्की सी लगी है। तो बाकी आंटी आंटी जो बच्चा था बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई उन्हें एक इतनी सी भी। वो उसी टाइम पे खड़े हो गए, तो स्कूटी में भी आगे उनके हल्का सा बम क्या कहते हैं फ्रंट का जो है हल्का सा हिल गया था, वो वहीं पे सही करा दिया था उन्होंने, जो भी था पैसे वैसे उन्हें वहाँ पे दे दिए थे हमने। बाकी सॉरी वॉरी मैंने बोल दिया था, आंटी ने कोई बात नहीं हो जाता है हो जाता है। तो मतलब वहाँ ऐसा सीन नहीं है कि मार के भाग गए, वहाँ रुका था मैं, मतलब साथ वाले रुके थे, थोड़ी देर बाद मैं भी आया था। अगर उसी टाइम पे मैं रुकता तो सीन देखो ज़्यादा ख़राब हो जाता। मेन दिक्कत तो मतलब मेन ये है कि चोट नहीं आई किसी की, बाकी नुकसान जो हुआ है भाई मेरा इतना नुकसान हो गया, ये वाला पैनल चले गया, मतलब ये देख रहे हो ये पैनल गया, ये मेन पैनल जो होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी फेयरिंग R15 की देखो, ये जो पूरी फेयरिंग है ये वाली जो यहाँ से पूरी यहाँ तक आ रही है, ये पूरी गायब हो गई। सबसे बड़ी फेयरिंग यही थी इसकी, देख लो। बाकी इसका ये हेड जो होता है ये टूट गया पूरा, इसकी लाइट टूट गई है, बाकी बिल तो बहुत मोटा बैठ गया है। बाकी इसकी पूरी हैंडल, टीवी हैंडल जो है मुड़ गया, वो देखो वहाँ पूरा लग रहा है स्क्रीन के आगे ना, ऐसे लगता नहीं है। तो ये हैंडल टी भी चेंज होगी इसकी। बाकी क्या कहते हैं भाई, हैंडल टी इसकी 3,360 रुपये की है। बाकी ये लीवर चेंज होगा, बाकी ये DRL चेंज होगी, 1400 की ये है। मैं आपको रेट डाल दूंगा। वैसे भाई गलती करी है तो भुगतान भी हुआ यार, मेरा ही हुआ नुकसान सबसे ज़्यादा, तो उनका तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना चोट लगी ना कुछ। बाकी सीन ख़राब हो जाता है इसलिए मैं उस टाइम पे नहीं रुका, ऐसा नहीं है मैं थोड़ी देर बाद गया था। बाकी कंसोल यहाँ का गया है, जो इस साइड है ना ये गया है, ये भी लगेगा। बाकी नुकसान तो बहुत हो गया है, बाकी हल्की सी टेल भी मुड़ गई है इसकी, ये क्रैक आ गया इसमें, बाकी ये मुड़ गया है इसका ब्रेक। अब अभी तो फ़िलहाल बाइक की हालत ऐसी है, अभी इसके पार्ट्स ऑर्डर हुए हैं और लगेंगे 10-15 दिन तो लगेंगे, तब तक ये ऐसी रहेगी। तो गाइस बस मैं ये कहना चाहूँगा, देखो गलती हो जाती है सबसे, अगर मैं उस टाइम पर रुकता तो आपको भी पता सीन ख़राब हो जाता। सबसे मेन वो है ना कि मतलब चोट नहीं लगी किसी को, तो हेट मत फैलाना प्लीज़ उसके लिए, मैं आपसे भी सॉरी बोलता हूँ। अब से हाइपर राइड तो भाई मैं करूँगा नहीं, सिटी में तो करूँगा नहीं, हमारी आदत वैसी पहाड़ों की है। वो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उस दिन काम पड़ गया था वहाँ, तो जाना पड़ गया, तो आज से तो भाई हाइपर राइड तो बंद ही हो गई। तो गाइस प्लीज़ कोई हेट मत फैलाना, देखो हो जाती है गलती, सबसे होती है, बस सोचो कि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अगर हम सामने सामने से भिड़ते वो लग के निकल गई, अगर सोचो सामने सामने से भिड़ते तब ज़्यादा नुकसान होता। मैंने वो उसी टाइम पे दोनों उठ गए थे, मैं आपको वीडियो में दिख जाएगा देखना। तो गाइस यही कहना चाहूँगा मैं, बस हेट मत फैलाना, क्योंकि नुकसान तो देखो मेरा ही हुआ है, बहुत हो गया है, क्या ही बोलूँगा मैं। अभी जबकि अभी एक हफ्ता नहीं हुआ था पता है इस बाइक को बन के आए थे, उससे पहले भी हुआ था, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं हुआ था, किसी और की वजह से हुआ था क्रैश। मतलब एक साल से मान लो मेरा पहला ही क्रैश है जो हुआ, वो सच शुक्र मनाओ, मतलब सामने सामने से नहीं भिड़ी, तब ज़्यादा नुकसान हो जाता, तब सीन बहुत ख़राब हो जाता। बस यही कहना चाहूँगा, बस प्लीज़ कोई हेट मत फैलाना, देखो हो जाता है, सबसे गलती हो जाती है। अगर मैं वहाँ रुकता ना तो भाई सीन ख़राब हो जाता, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद गया, साथ वाले रुके थे वहीं पे, उन्होंने सब पता करा। उसके आधे घंटे बाद गया था मैं, बाइक वाइक खड़ी करके कहीं पे, आंटी लोग वहीं थे, सब पूरी बात हो गई, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गाइस हाइपर राइड आज से ख़त्म, अब 10 दिन तक कोई व्लॉग व्लॉग भी नहीं आएगा इसके बाद, जब तक बाइक सही नहीं होगी। उसी के बाद मिलते हैं, देख के तो बड़ा
मतलब साइड से देखो पूरी ही ख़त्म हो गई है, क्या ही बोलूँ मैं। ऐसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, क्या ही बोलूँ।